तो गाइस सब ठीक ठाक। तो गाइस मैं एक सजेशन चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट कौन सी मांगा एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मैं ब्लैक क्लोवर के साथ साथ एक और मांगा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो मेरे जो ऑप्शंस हैं वो है बंगो स्ट्रे डॉग की मांगा यानी सीजन 4, और टोक्यो रिवेंजर सीजन 2, और द प्रॉमिस नेवरलैंड सीजन 2, क्योंकि एनीमे में सीजन 2 की पेसिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी, जिससे आधे से ज़्यादा लोगों का एनीमे समझ ही नहीं आया कि सीजन 2 में हुआ क्या। तो मैं सोच रहा हूँ कि सीजन 1 से स्टार्ट करूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि मैं कौन सी मांगा एक्सप्लेन करूँ। तो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो हम पहले रिकैप करते हैं कि लास्ट चैप्टर कैप्टन यामी का पास दिखाया गया था, और कैप्टन यामी और आस्था काफ़ी हद तक एक जैसे हैं। हमें ये दिखाया गया था कि यामी मॉर्गन के डेथ के बाद डिसीजन लेते हैं कि वो भी मैजिक नाइट में ज्वाइन होंगे और अपनी स्क्वाड बनाएंगे। और उसी चैप्टर के एंड में हमें यामी को जागते हुए दिखाया जाता है और ब्लैक बुल्स के सारे मेंबर्स खुश हो जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं ब्लैक क्लोवर चैप्टर 314। तो चैप्टर के शुरू में हमें मेरे लियोना को दिखाया जाता है जो कि स्पेड किंगडम के कासल के बाहर लड़ रही थी उस एंशियंट डीमन से। सच में काफ़ी टाइम बाद मेरे लियोना को दिखाया गया, मैं तो भूल ही गया था इसको। फिर मेरे लियोना अपना मैजिक यूज करती है और उस एंशियंट डीमन को जला देती है। फिर आसपास के जो लोग होते हैं वो विश्वास ही नहीं कर पाते कि मेरे लियोना ने उस एंशियंट डीमन को हरा दिया। और हमें दिखाया जाता है कि एंशियंट डीमन जल रहा है आग से। फिर मेरे लियोना उड़ते उड़ते डीमन के पास जाती है और कहती है कि चलो अब ये सब खत्म करते हैं। तभी सीन कासल के अंदर शिफ्ट होता है और नोजल को दिखाया जाता है जो कि अपोलोजाइज कर रहा होता है। फिर फाइनली किसी ने कैप्टन विलियम के बारे में सोचा, वरना सब तो कैप्टन यामी को ही भाव दे रहे थे। हमें लैंग्रेज को दिखाया जाता है जो कि हील हो चुका है और डोरोथी सबको शाबाशी दे रही है। फिर ब्लैक बुल्स स्क्वाड जा रही होती है कैप्टन यामी के पास उनका नाम पुकारते हुए। फिर हमें मॉरिस को दिखाया जाता है जो कि मच्छर की तरह दीवार पर चिपका हुआ है। और फिर अचानक से लूसीफर मॉरिस की बॉडी से ब्लैक बुल्स को टॉन्ट करता है। और फिर तभी जहाँ पे कैप्टन यामी और विलियम होते हैं वहाँ पर एक बैरियर बन जाता है। और फिर तभी पता चलता है कि अंडरवर्ल्ड का दूसरा गेट भी ओपन हो चुका है और उसमें से काफ़ी सारे डिमन आने लगते हैं। फिर तभी लूसीफेरो कहता है कि किसी भी लोअर लेवल के डिमन में मैं इंटरफेयर कर सकता हूँ क्लीफोथ के बिना भी। फिर लूसीफेरो कहता है कि फर्स्ट और सेकंड लेयर के सारे डेविल को लूसीफेरो पोजेस कर सकता है। और यामी के साइड बहुत सारे डेविल्स आने लगते हैं और ब्लैक बुल्स यामी को बचाने जाते हैं। फिर कासल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेरे लियोना और बाकी लोग डर जाते हैं क्योंकि बहुत सारे डेविल आ जाते हैं। और फिर लूसीफेरो उस पूरे कासल को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर काफ़ी बड़ा हो जाता है। फिर उधर ही एक आदमी आता है जो कि बोलता है कि इस डेविल ने दांते की ग्रेविटी मैजिक को भी पोजेस कर लिया और ऐसे ही चलता रहा तो बहुत बुरा होगा। फिर तभी ब्लैक बुल्स के मेंबर्स अपने अपने मैजिक को यूज़ करते हैं। वेनेसा का फेट मैनिपुलेशन मैजिक, ग्रे मेटामॉर्फोसिस, चार्मी मैजिक पावर रिकवरी, हेनरी मैजिक पावर एब्जॉर्प्शन, गॉर्डन कर्ज डाइवर्शन, और ये सारे मैजिक रिकम्बाइन करते हैं। और फिर ब्लैक बुल्स बोलते हैं कि तुम चाहे कितने भी पावरफुल हो बस यहाँ से बाहर निकलो। और कासल के अंदर ही ब्लैक बुल्स का हाइड आउट सुपर साइज जायंट बुल में बदल जाता है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा? काफी टाइम बाद मेरे लियोना दिखी और लूसीफेरो तो छुपा रुस्तम निकला। अब नेक्स्ट चैप्टर में देखना है क्या होता है। दोस्तों चलिए खिलाड़ी वीडियो में देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। अगर आपको सब्सक्राइब करना चाहिए तो मस्ट लाइक और रेफरेंस को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी जरूर शेयर कर दीजिए कि मैं आपके लिए लोना इस वीडियो लेकर आता हूं।